चलिए आप बात करेंगे अमेठी की। अमेठी की में बात करें तो वहां पर स्मृति ईरानी दौरे पर हैं। अमेठी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 30 करोड़ 27 लाख की सड़कों की सौगात दी है। उन्होंने तिलोई की मंच से कहा है कि अमेठी की जनता ने जाति धर्म की बीड़ियों को तोड़ते हुए क्षेत्र के विकास के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से उनकी सेवा करूंगी, जिन्होंने वोट दिया उनका भी विकास से वंचित नहीं रखूंगी और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी विकास किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक साधारण परिवार की महिला को आपके प्रतिनिधि बनने का मौका दिया जाएगा। एक ऐसे क्षेत्र में जो नामदार का गढ़ था, जहां यह माना जाता था कि भले ही सांसद 5 साल तक नहीं लौटे, लोग उसे स्वीकार करेंगे। स्मृति ने कहा कि मैं अपना घर अमेठी लोकसभा में ही बनाऊंगी, जिससे किसी को अपने सांसद को खोजना नहीं पड़ेगा। लेकिन आगामी 5 वर्ष मैं सांसद के नाते नहीं बल्कि बहन के नाते आपकी सेवा कर सकूं, आज ऐसा आशीर्वाद आप सबसे मांगती हूं। क्या अमेठी ने एक समय ऐसा देखा जब 5 साल में एक बार सांसद मिलता और सांसद को अगर ढूंढने जाना पड़ता तो दिल्ली तक पहुंचना पड़ता? मैं सार्वजनिक तौर पर आज महिंकेश्वर जी की बात को और सशक्त करते हुए कहती हूँ, गौरीगंज में जगह चिन्हित हो गई है। मैंने वादा किया था जनता से कि अपना घर मैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ही बनाऊंगी ताकि जनता को दिल्ली की चोटें नहीं खानी पड़े। बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी के दौरे का आज दूसरा दिन है। स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। स्मृति ईरानी ने इस दौरान महिलाओं और विकलांगों से भी मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं को गोद भराई और लड़कियों को लैपटॉप बांटे, साथ ही विकलांगों को भी उनकी जरूरत के सामान बांटे। ये दो तस्वीरें स्मृति ईरानी के अमेठी के दौरे का दूसरा दिन है और आज शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। कलेक्ट्रेट में पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिली और आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और दिव्यांगों को भी उन्होंने उपकरण बांटे। तो अमेठी की जनता ने मुझे मौका दिया है, स्मृति ईरानी ने कहा कि वो पूरा विकास कराएंगे अपने क्षेत्र का, उन्हें सांसद को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं की गोद भराई और लड़कियों को लैपटॉप भी उन्होंने बांटे। ये देखिए, महिलाओं की जो गोद भराई का कार्यक्रम था उसमें भी वो शामिल हुई, साथ ही विकलांगों को भी उनकी जरूरत के सामान बांटे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिव्यांगों से भी उन्होंने मुलाकात की है और हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो दिव्यांगों को उनकी जरूरत के सामान बांटे गए। और ये देखिए, वो जो गोद भराई की रस्म थी उसमें भी वो हिस्सा लेने पहुंची और वहां महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की।